आज सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और ये हरियाणा प्रदेश में 2024 के विधानसभा चुनाव के परिणाम जिस प्रकार से आए और हरियाणा की जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया और स्पष्ट बहुमत की सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में बनी और नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो पूरे मंत्रिमंडल का गठन हुआ और एक मिशन मूड में जो सरकार ने काम की शुरुआत की है वो आप सबके सामने है। और जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने और मंत्रिमंडल ने शपथ ली 24,000 युवाओं को रोजगार देना प्राथमिकता के आधार पर बगैर पर्ची खर्ची के जिस प्रकार से सरकार ने दिया, और अगले ही दिन पहली बार ही जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें डीएससी समाज को जो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला चुनावी प्रक्रिया के बीच में आया था उसको भी हरियाणा में लागू करने का पहला प्रांत हरियाणा बना। और जो हमने संकल्प पत्र में जो बात कही थी कि हम डायलिसिस की और डायग्नोज के सरकारी हॉस्पिटलों में सभी के लिए मुफ्त इलाज होगा, उसके संकल्प को भी हमने पूरा करने का काम किया। जो 20 संकल्प हरियाणा सरकार ने चुनाव के समय जनता के बीच में रखे थे उन पर बहुत ही शीघ्रता के साथ ईमानदारी के साथ सरकार ने काम शुरू किया। और उसी कड़ी में आज हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री दिल्ली में फिर एक बड़ी योजना जो आरटीएस जो पानीपत तक की जो प्रपोजल पास हुई वो करनाल तक जाए इस विषय को लेके भी आज निर्माण भवन में शाम को बैठक है। और अनेक जो विकास से जुड़े हुए जो काम है अलग अलग मंत्रालयों के जो काम है हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बड़ी शीघ्रता के साथ वो सारे काम पूरे हों इस प्रकार की योजना लेके चले हैं। और अनेक अवसरों पर आपको इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में विकास की गति तेज होती हुई दिखाई देगी और हरियाणा प्रदेश में सबको न्याय मिले और समान विकास के काम हो। जिस प्रकार से लगातार 10 वर्षों से हरियाणा प्रदेश में हमारी सरकार ने जो विकास का मॉडल अपनाया है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और सबके विश्वास को रखते हुए समान विकास के काम पूरे हरियाणा प्रदेश में सभी 90 विधानसभाओं में सभी 10 लोकसभाओं में विकास के काम हों और जो हमारी सरकार ने संकल्प लिया है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारी सरकार बहुत ही विजन के साथ मिशन मोड में काम करने वाली है। और इसकी शुरुआत आपने देखी है और इसी प्रकार से ये काम तेज गति से चलता रहेगा। वहीं जहां सरकार अपना काम करेगी वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का भी हमारा संगठन पर्व चला हुआ है। और 21 अक्टूबर 1951 को जो भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ के रूप में जो स्थापना हुई थी कल 21 अक्टूबर को भी वही संगठन पर्व की बैठक हमारी केंद्रीय कार्यालय में हुई, उसमें भी हरियाणा प्रदेश में अभी हम क्योंकि हरियाणा में चुनाव थे तो जो हम सदस्यता अभियान हरियाणा में शुरुआत नहीं हुई थी उसकी प्रक्रिया को भी हमने शुरुआत की है और 6 सदस्यों की प्रदेश की टोली का गठन किया है। इसी प्रकार से प्रत्येक जिला के अंदर भी जिला की टोली का गठन करते हुए 4 सदस्यीय टोली रहेगी। उसके बाद प्रत्येक मंडल में जो 313 मंडल हैं उनमें भी 3 सदस्यीय सदस्यता अभियान की टोली रहेगी। और जो हमारे 4300 शक्ति केंद्र हैं उन शक्ति केंद्रों पर भी 2 सदस्यों की हमारी ये सदस्यता अभियान की टोली का गठन होगा और प्रत्येक बूथ पर कम से कम 200 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। इस विजन के साथ हमने जो अपना लक्ष्य रखा है 50 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश में बने ये एक लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हमने रखा है। और इस काम को पूरा करने के लिए पहली बैठक हमारी 26 तारीख को जिसमें हमारे सभी सांसद विधायक और चुनाव लड़े हुए सभी प्रत्याशी सभी मेयर सभी चेयरमैन
जिला परिषद के चेयरमैन और जो हमारी जिलों की टोली बनेगी वो सभी सदस्य इस प्रकार से एक बैठक 26 तारीख को रोहतक में भी रहेगी। उसी प्रकार से उसके बाद 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर दो दिन तक प्रत्येक ज़िले में भी उस प्रकार की हमारी बैठकें रहेंगी और दीपावली के बाद 5 तारीख को और 6 तारीख को हम अपना सदस्यता अभियान की शुरुआत हरियाणा प्रदेश में करेंगे। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी मजबूती के साथ जिस प्रकार से स्पष्ट बहुमत की सरकार, डबल इंजन की सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में बनी है, इसी प्रकार से संगठन को भी मजबूत करने का और संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को काम, सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी देते हुए हम इस सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाएंगे और हरियाणा प्रदेश एक मजबूत इकाई के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सर, ये टारगेट 50 लाख 50 लाख अभी कितने होंगे? आज हरियाणा प्रदेश में जो हमारा पिछला सदस्यता अभियान हुआ था उसमें 32 लाख का टारगेट लिया था और उसमें लगभग 35 लाख के आसपास हमारी सदस्यता थी। उसको रिन्यू भी करेंगे और नए भी जोड़ेंगे, इस प्रकार से 50 लाख सदस्य बनाने का हमने लक्ष्य रखा है। मंत्रिमंडल का जो आपने कहा विभाग भी बढ़ गए, मंत्री भी बन गए, आप अध्यक्ष हैं सर, कोई रुसामणी तो नहीं चल रही, सब ठीक है, राजी है सब? भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार का मंत्रिमंडल बना है और सभी प्रेस के सामने भी आए हैं और सभी अपने काम में भी लगे हैं और नई ऊर्जा के साथ लगे हैं, नए विचार के साथ लगे हैं और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे देश को पूरे विश्व के अंदर जिस गति के साथ आगे बढ़ाया है और ये जो कार्य क्षमता है और सभी विभागों के अधिकारी जिस मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, मुझे लगता है हरियाणा प्रदेश का जो मंत्रिमंडल बना है नई ऊर्जा के साथ और मिशन मोड में आगे बढ़ते हुए काम को करेगा। सर, निकाय चुनाव क्या जल्दी हो सकते हैं या आप लोग भी करते हैं? हरियाणा प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं, नगर पालिका, नगर परिषद और अभी जो दो मेयर विधायक भी बने हैं हमारा सोनीपत से और अम्बाला से, तो ये चुनावी प्रक्रियाएं भी मुझे लगता है ये सरकार का काम है और ये भी सरकार जल्दी इसको तरफ भी आगे बढ़ेगी। तो अभी हरियाणा में जिस तरह प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई, आगे जो नगर निगम, नगर निकाय के चुनाव होने हैं, तो उसको लेकर सर क्या प्लानिंग संगठन की तरफ से की जा रही है? हमारा ये जो सदस्यता का अभियान चला है, ये जो सदस्य बनेंगे और सदस्यता अभी चलेगी इस महीने नवंबर महीने में हमारे संगठन के चुनाव की प्रक्रिया भी चलेगी और उसके बाद ये जो चुनाव की चर्चा आपने की है, निकाय के चुनाव है, परिषद के हैं, पालिकाओं के हैं, ये चुनाव भी सरकार है, मुझे लगता है जल्दी पूरे करवाने का काम करेगी। जिस तरह से कांग्रेस हार को अब तक पचा नहीं पाई है, बार बार कोई भी बयान आता है तो ये कहते हैं कि हमने तो शिकायत दे रखी है, चुनाव आयोग में दे रखी है शिकायत। ये जो कांग्रेस का प्रश्न आप रोज कर देते हो और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेता बयानबाजी करते हैं, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी आज बीमारी की हालत में है और मैं सलाह दूंगा, आपके माध्यम से दूंगा कि उनको सलाह दें, वो अच्छे किसी डॉक्टर से अपना इलाज कराएं, अच्छा ट्रीटमेंट लें और मानसिक रूप से ये जो बीमारी, कभी अधिकारियों पर आरोप लगाना, कभी ईवीएम पर आरोप लगाना और अपने काम को ठीक ना करना, जनता पर भरोसा रखना लोकतंत्र की पहली पहचान होनी चाहिए और हमने लोकतंत्र के सम्मान किया है, जिन्होंने वोट दी है, वोट देने वाले वोटर के ऊपर भी इस प्रकार के आरोप लगाना ये कांग्रेस की बहुत बड़ी बीमारी है, तो इस बीमारी का कांग्रेस ने इलाज करवाना चाहिए। और मैं तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी आप लोग मिलते रहते हो, उनको सलाह देनी चाहिए कि एक राजनीतिक पार्टी जिस प्रकार से वैचारिक रूप से बुढ़ापे की ओर है, पूर्ण रूप से कांग्रेस के जो नेताओं के विचार हैं वो बिल्कुल बुढ़ापे का प्रतीक है और वो घटत की तरफ है, वो घटती जा रही है
और इसी प्रकार से बयानबाजी करेगी तो कांग्रेस पार्टी घटती रहेगी। एक सवाल सर आपको लेकर है, आपको हमने बतौर संगठन में काम करते हुए भी देखा था, आप बतौर विधायक भी रहे, लोकसभा का चुनाव भी पार्टी ने लड़वाने का काम किया, और मुझे याद है इसी दिल्ली में ही हरियाणा भवन में आपने पहले ही कह दिया था टिकट बंटवारे से पहले कि भाई मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मुझे चुनाव में जाना है, चुनाव लड़वाना है। अब ओवरऑल आपकी लीडरशिप भी कही जाएगी, ठीक है उनका भी नाम था, सीएम साहब का, आपका भी था, पूरी जोड़ी थी, आगे मोहनलाल मडौली साहब कैसे देखते हैं अपना भविष्य, क्योंकि आपकी लीडरशिप में ही वो बहुमत 14 और 19 से भी ज़्यादा 24 में आया है। ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये जो 2024 का विधानसभा का चुनाव हुआ है, और जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व ने मार्गदर्शन करने का काम किया, 5 प्रभारी इस चुनाव के निमित्त केंद्र की तरफ से और हमारे केंद्रीय मंत्रियों की जिस प्रकार से ड्यूटियाँ लगी, निरंतर सभी कार्यकर्ताओं को संभालने का जो काम किया, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी ने एक नैरेटिव को पैदा कर रखा था, कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार का दुष्प्रचार कर रखा था और जो एक झूठ का गुब्बारा कांग्रेस पार्टी ने फुलाने का काम किया, उस झूठ के गुब्बारे की हवा हरियाणा के वोटर ने निकालने का काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कड़ा परिश्रम किया है, हर घर तक गए हैं, हर वोटर तक अपनी पहचान बनाई है, हर वोटर तक पहुँच बनाई है, और उसी का ये परिणाम है कि हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है, उसको आशीर्वाद देने का काम किया है। अध्यक्ष जी एक सवाल ये कि साक्षी मलिक ये कह रही है कि बबीता फोगाट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनना चाहती है, और महावीर फोगाट ये कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा साक्षी मलिक से ऐसे बयान दिलवाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की बहुत पुरानी बीमारी है, मैंने जो पहले भी चर्चा की थी, वो इस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं कि कभी किसी की आड़ लेके राजनीति करते हैं, झूठे बयान देके राजनीति करते हैं, और कांग्रेस का जो झूठ है वो अपने आप सामने आता है, और कांग्रेस की झूठ की वजह से ये कांग्रेस कमजोर हुई है। नहीं, वो तो कांग्रेस पार्टी बार बार इस प्रकार के प्रश्न उठा रही है, और कांग्रेस पार्टी ने अपने जो कानूनी सलाहकार हैं उनकी बजाय मैंने पहले भी कहा किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। जो आदमी अपनी जिम्मेवारी को दूसरे पर थोपने का काम करते हैं, ये उस आदमी की गलती है, और राजनीतिक रूप से एक सरकारी जिम्मेवारी, एक सरकार का मुखिया इस प्रकार का बयान दे, और जिस प्रकार से दिल्ली की मुख्यमंत्री ने भी ये बयान दिया था, और वो सीधा दोषी ठहराते हैं हरियाणा के किसान को, पंजाब के किसान को, उत्तर प्रदेश के किसान को, राजस्थान के किसान को। हमारे देश का किसान बड़ा बुद्धिमान किसान है, जो खेत में काम करता है तो बड़ी अकल से काम करता है, बहुत समझदार है, बहुत स्याणा है। एक एकड़ में 7,000 से लेकर 10,000 रुपये तक पराली बिकती है, कौन अपना नुकसान करेगा? और बहुत सारी हरियाणा सरकार ने स्कीमें चलाई हैं, उन स्कीमों का भी लाभ किसान लेते हैं, मशीनें दी हैं, पराली का सदुपयोग हो, वो सारी योजनाएं सरकार ने बनाई हैं, और हरियाणा का किसान हो चाहे पंजाब का किसान हो, ये इस प्रकार से किसान का नाम लेके जो एक न्यायालय के अंदर भी इस प्रकार की पिटीशन डालते हैं, उसको पार्टी बनाने का प्रयास करते हैं, ये कुछ लोगों की समझी हुई एक साजिश है, और किसान को इसमें नहीं लपेटना चाहिए। अच्छा सर, आपकी 48 सीटें तो आई हरियाणा में, लेकिन कुछ सीटें जो हारी हैं, कुछ नेता भीतरघात के आरोप जो लगा रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ संगठन की तरफ से, आपकी तरफ से कोई विचार किया जा रहा है कि उनके ऊपर कुछ कार्रवाई है? जब जब भी भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार का चुनाव का रिजल्ट आता है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा उस पर विचार विमर्श करती है, और हम सबसे सुझाव भी लेते हैं, सब प्रकार की जानकारियां भी लेते हैं, लेकिन ये जो भीतरघात का आरोप है, ये इस प्रकार से इन सब के बारे में हम पार्टी स्तर पर समीक्षा करने का काम करते हैं, और उस पर समीक्षा करेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। जो सस्पेंड हुए थे उस चुनाव के दौरान, क्या उनकी कोई वापसी है? वैसे ही रहेगा 6 साल। अभी तक किसी की भी वापसी नहीं हुई है, और जब समय आएगा, क्योंकि
ये सारी चीज़ें जब फिर दोबारा से चुनाव आते हैं तब ये फिर शुरुआत होती है। अभी तो सब ने संगठन में काम करना है और जो संगठन में काम करेगा उसके लिए हमारा सदस्यता अभियान चला है और सदस्य सब कोई भी बन सकता है। नए सिरे से अगर कोई सदस्य बनेगा और जिसको हमने सस्पेंड कर रखा है तो उसकी सदस्यता को हम रद्द कर देंगे, वो बन सकता है, बनने में कोई रोक नहीं है। ऑनलाइन सिस्टम है। आप सभी पत्रकार भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि आप भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने और उसमें कोई ऐसी बात नहीं। सदस्य तो बन सकते हैं ना जी, सदस्य बनना राजनीतिक पार्टी का सदस्य बनना सिर्फ उसके लिए वर्जित है जो सरकारी नौकरी में है। सरकारी नौकरी के अलावा प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक देश का नागरिक, कोई भी वोटर सदस्य बन सकता है। चार्ज भी देना पड़ेगा। सभी पत्रकारों के ऊपर कांग्रेस पार्टी इस प्रकार का इल्जाम लगाती रही है, मीडिया पे भी आरोप लगाती रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी आरोप नहीं लगाया। अच्छा सर, ये चार्ज भी है क्या? जो 50 सदस्य बनाएगा सामान्य सदस्य, एक मिनट, ये लाइव है क्या? जो भी 50 सदस्य कार्यकर्ता बनाता है, 50 सदस्य बनाने के बाद सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में उसको मेंबरशिप मिलती है, ये एक हमारा पार्टी का संविधान है। और जो हम सदस्यता करते हैं उसके ऊपर भी पार्टी के संविधान की बातें सारी लिखी रहती हैं। सर, जिन लोगों को निकाला गया है पार्टी से अभी विधानसभा चुनाव के लिए, क्या नगर निगम चुनाव में उनकी वापसी हो सकती है? अभी कोई इस प्रकार की कोई संभावना नहीं है। ये सारी चीज़ें हमारे राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार का विषय होता है उस प्रकार की हम चर्चा करके उसको काम को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरीके से हरियाणा में हमने देखा कि सारे पहलवान यहाँ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, साक्षी मलिक की किताब आई है विटनेस, उसमें उसने साफ तौर पर लिखा है कि हरियाणा के रेसलर साक्षी मलिक का खुलासा गोली ब्रिजभूषण के खिलाफ आंदोलन में बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने कराया। बबीता फोगाट पर आरोप लगा है। बबीता फोगाट उसकी चेहरे की बात करना चाह रही थी, उन्होंने ये भी कहा। देखो, ये इस प्रकार के जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, ये राजनीति में बहुत सारे लोग करते हैं, इससे बचना चाहिए। अगर इस प्रकार की कोई बात है तो उन्होंने अपनी बुक में लिखा है, उसका क्या जवाब है? बबीता फोगाट हमारी पार्टी की नेता हैं और एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता वैचारिक रूप से बबीता फोगाट इस प्रकार की राजनीति करेगी। और बबीता फोगाट एक साफ छवि की नेता है और अच्छे विचारों के साथ भारतीय जनता पार्टी में काम कर। बिल्कुल, मैं सभी खिलाड़ियों से भी निवेदन करूंगा और मैं खुद खिलाड़ी रहा हूं और एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़े। ये जो नेगेटिव किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से बचना चाहिए।